मेरा नाम है गुंडप्पा। मैं बीए बीएड तक एजुकेशन किया है। अब एक नन्नूर वाणी कन्नड़ा वीकली वो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश कर रहा हूँ। और मेरा और एक उद्योग है वो किराने व्यापार है। आप लोगों को न्यूज़ कहाँ से मिलता है? हमको टीवी चैनल से आते हैं और वर्तमान पेपर से भी आते हैं न्यूज़। आप हर रोज़ पेपर पढ़ते हो? यस, मैं हर रोज़ पेपर पढ़ता हूँ और टीवी चैनल भी देखता हूँ, नेशनल चैनल भी देखता हूँ, कन्नड़ चैनल भी, रीजनल लैंग्वेज का चैनल भी देखता हूँ। वो सुविधा होता है आपको न्यूज़पेपर से सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको? वो सुविधा होता है। और आप लोग न्यूज़ पढ़ने के बाद क्या किसी के साथ डिस्कस करते हो या बात करते हो न्यूज़ के बारे में? डिस्कस करता हूँ मैं पॉलिटिक्स के बारे में और गवर्नमेंट का एक प्लान के बारे में लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। और एक गवर्नमेंट स्कीम जो आपको पता है जिससे लोगों को बेनिफिट्स हुआ है, सुविधाएं मिली है, वो भाग्यलक्ष्मी है और इंदिरा आवास योजना है, उसमें फिर वो लोगों को घर देता है पंचायत की तरफ से। सब ये गवर्नमेंट का जो योजना है कल्याण योजना है लोगों को बताते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला स्कीम के बारे में? न्यूज़पेपर में आया और टीवी चैनल में भी आया। एक शासक पॉलिटिशियन भी आकर उसको भाषण में भी वो प्रचार करता था, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। गवर्नमेंट एड्स यहाँ तक पहुँचते हैं? गवर्नमेंट एड बहुत कमी पहुँचते हैं, पंचायत में भी एक ऐड बनाते हैं। ज़्यादा जानकारी न्यूज़पेपर से और टीवी चैनल से आता है। मेरा नाम चंद्रशेखर कोड़ेकर है। मेरा ऑक्यूपेशन टीचर है, टीचर कम जर्नलिस्ट, और मैं एमए बीएड तक पढ़ा हूँ। मैं आलमट्टी में रहा हूँ। आपको न्यूज़ कहाँ से मिलता है? हमारे को न्यूज़ टीवी और पेपर से मिलता है। और आप टीवी और पेपर कितने ऑफन पढ़ते हो? हम रोज डेली वन टाइम तो पेपर पढ़ता हूँ और एक टू टू थ्री टाइम्स तो कन्नड़ न्यूज चैनल देते हैं। और वो जो कनाडा में आता है वो इजी होता है एक्सेस करना, समझना? इजी होता है और समझना होता है। आप लोग न्यूज़ देखने के बाद किसी से डिस्कस करते हो? हाँ, डिस्कस करते हैं, डिस्कस तो रोज़ करते हैं, क्या क्या चल रहा है इसके बारे में तो रोज डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं? यहाँ पर तो RTE है और RTI भी है और क्षीर भागी करके एक दूध देने का भी है, डिस्ट्रीब्यूट करके प्राइमरी स्कूल में बच्चों को मील देते हैं सभी। तो आप एक भी स्कीम से आप अप्लाई की हो? वही तो अभी तो कुछ नहीं, आरटीई भी नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट एड्स पहुँचते हैं? नहीं, तो पेपर और टीवी से आते हैं, लेकिन कोई ऐसा फ्लेक्स वगैरह कोई नहीं। टीवी एंड न्यूज़ एंड रीडिंग न्यूज़पेपर। सो डू यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट यू रीड? यस, या। एंड डू यू डिस्कस द न्यूज़ विद एनीवन सर? या, इन माय फैमिली एंड इन माय नेबर्स एंड इन माय फ्रेंड्स, इन माय ऑफिस, इन माय कलीग्स, इन माय सबऑर्डिनेट्स। And what are the government schemes that are relevant here? Actually, which type of scheme? Like Jandhan Yojana, RTE, RTI. Oh, yeah. So, have you been applied to any of these schemes, government schemes? Which purpose? Jandhan scheme or something, these kind of schemes. Scheme. Narendra Modi 1 rupee account. Yes, so have you applied there? You have not applied. वेलकम टेरामेंट है मेरा नाम, मैं होटल संभालता हूँ, मेरा आई टी फिटर कंप्लीट हो गया है। अच्छा, और आप न्यूज़ पढ़ते हो? पढ़ते हैं। कहाँ से मिलता है आपको न्यूज़? पेपर से और टीवी से। और जो आप पढ़ते हो वो समझ में आता है आपको? हाँ, समझ में आता है।
और मतलब आप जो न्यूज़ पढ़ते हो वो सबके साथ आप बात करते हो न्यूज़ के बारे में? बात करते हैं ना। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता है आपको? पता नहीं। और गवर्नमेंट स्कीम्स कोई अप्लाई की हो आप? नहीं किया। और गवर्नमेंट एड्स आता है यहाँ पे? नहीं।